बैक टू माई चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कीमा सल्ली की रेसिपी, जिसे आप आलू कीमा भी बोल सकते हो फ्रेंड्स। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने मटन का कीमा ली हूँ 500 ग्राम्स यानी कि आधा किलो कीमा ली हूँ, जिसे मैं अच्छे से वॉश करके बॉईल करूँगी फ्रेंड्स। तो इसमें थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा जो है वो नमक ऐड करना है आपको। इसमें पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो कीमे का पानी होता है ना, ये उसी में अच्छे से बॉईल हो जाता है। तो हमें इसे अच्छे से बॉईल कर लेना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा जो कीमा है वो अच्छे से बॉईल हो चुका है, तो अब हम इसे साइड में रख देंगे और अभी हमारे जो आलू कीमे की रेसिपी है वो स्टार्ट करते हैं, यानी कि मसाला बनाने की रेसिपी। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली हूँ। कढ़ाई जैसे ही गर्म होगा उसमें हम ऑयल ऐड कर लेंगे, और ऑयल थोड़ा सा गर्म होने के बाद हम इसमें खड़े मसाले ऐड करेंगे। तो जिसमें मैंने ऐड की हूँ 2 तेज़पत्ता, 1 बड़ी इलायची और 2 लौंग और 1/2 टीस्पून जीरा ऐड करेंगे। और जैसे ही जीरा तड़कने लगेगा तो हम इसमें चॉप्ड कांदा डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा साइज़ का प्याज ली हूँ, तो इसे हम हल्का ब्राउन होने तक का फ्राई करेंगे। हमारी प्याज जो है वो हल्की ब्राउन हो चुकी है, तो अब हम इसमें 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे फ्रेंड्स, और इसकी कच्ची महक जाने तक हम इसे भून लेंगे। अदरक लहसुन को 2 मिनट के भूनने के बाद हम इसमें हमारा बॉयल कीमा ऐड कर देंगे फ्रेंड्स। तो बॉयल कीमे के साथ साथ हम टमाटो भी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ली हूँ, जिसे मैंने चॉप कर ली हूँ। तो कीमे के साथ में ही हम टमाटर भी ऐड करेंगे, और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और बाकी के मसाले भी हम कीमे के साथ में ही ऐड कर लेंगे। टमाटर ऐड करते ही हमें हमारे जो बेसिक मसाले हैं वो भी ऐड कर देना है। तो यहाँ पर मैंने ऐड की 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, और 1.5 टेबल स्पून मैंने धनिया पाउडर ऐड की हूँ, और 1 टीस्पून मैं इसमें रेड चिली पाउडर ऐड करूँगी फ्रेंड्स। तो आप ये अपने हिसाब से ऐड कीजिएगा, आपको कितना तीखा चाहिए उस हिसाब से। तो इसको हम अच्छे से अभी मिक्स कर लेंगे और कीमे के साथ में थोड़ा सा भून लेंगे, ताकि जो मसाले हैं उनकी कच्ची महक चली जाए, उनका कच्चापन चला जाए, और जो तेल है वो साइड से जब ऊपर आएगा उसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हमें कीमे को इन मसालों के साथ में अच्छे से भूनना है, ताकि जो टमाटर है वो भी अच्छे से गल जाए। तो जैसे ही हमारे मसाले थोड़े से भून जाते हैं, तो इसमें मैंने ऐड की हूँ मीट मसाला। एवरेस्ट का मीट मसाला मैंने 1 टीस्पून ऐड की हूँ। आप इसमें गरम मसाला भी ऐड कर सकते हो। अब कीमे को 5 मिनट तक भून लेना है, ताकि जो मसाले हैं उनका जो टेस्ट है वो कीमे में अच्छे से आ जाए, और जो टमाटर है वो भी गल जाए। तो 5 मिनट भूनने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, ताकि जो मसाले हैं वो जले नहीं, और जो मसाले हैं उनका बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा पानी ऐड करना है, और फिर इसे थोड़ी देर और हमें भून लेना है। हमारा कीमा अच्छे से भून चुका है, मसाले भी अच्छे से भून चुके हैं, तो अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा ग्लास पानी ऐड की हूँ फ्रेंड्स। तो पानी आप अपने हिसाब से ऐड कीजिएगा, आपको जिस हिसाब से कंसिस्टेंसी चाहिए उस हिसाब से। और फिर पानी ऐड करने के बाद यहाँ पर मैंने 2 ग्रीन चिलीज़ जो बीच में से कट करके उसे ऐड कर ली हूँ। यहाँ पर आप हरी मिर्च भी अपने हिसाब से ऐड कीजिएगा, आपको कितना तीखा चाहिए उस हिसाब से, क्योंकि हमने पहले जो है इसमें रेड चिली पाउडर भी ऐड किया है। तो अब हम इसे ढककर 5 मिनट जो है ऐसे ही पकने देंगे। तो जब तक हमारा कीमा बन रहा है, हम आलू की तैयारी कर लेंगे फ्रेंड्स। तो इस रेसिपी का नाम है कीमा सल्ली, आप इसे आलू कीमा भी बोल सकते हो। तो हमें आलू ऐड करना है, बट हम आलू को थोड़े से अलग वे में ऐड करेंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि हम आलू को किस तरीके से ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू ले ली हूँ, जिसे मैंने अच्छे से वॉश कर ली हूँ। और अब हम इसे जैसे हम लोग फ्रेंच फ्राइज़ कट करते हैं, उस तरह से हम इसे कट कर लेंगे स्लाइस में, और थोड़े से लंबे टुकड़ों में। तो फटाफट से चलिए इसे कट करते हैं। तो हमारे आलू जो है वो कट हो चुके हैं, अब हम इसे थोड़ा साइड में रख देंगे और हमारा कीमा एक बार चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कीमा बनके रेडी हो गया है, तेल जो है वो अच्छे से ऊपर आ चुका है, और हम जैसे हमें ग्रेवी चाहिए थी वैसी ग्रेवी भी बन चुकी है। तो धनिया की पत्ती के साथ मैं इसे गार्निश कर लूँगी, और अब इसे हम साइड में रखते हैं और हम आलू जो है उसे फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले ली हूँ, और पैन में ऑयल डालेंगे, और ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा तब हम इसमें हमारे जो आलू है वो ऐड कर देंगे। अब इसे हम लोग अच्छे से फ्राई कर लेंगे फ्रेंड्स। तो हमें हाई फ्लेम पर ही इसे फ्राई करना है, वरना ये नरम हो जाएंगे। तो हमें थोड़े से क्रिस्पी फ्राई करना है। तो यहाँ पर हमारे आलू जो है वो अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो
और हमारा कीमा भी रेडी हो चुका है, तो उसे भी सर्व कर लेते हैं। और फिर ये क्रिस्पी से आलू के साथ में हम इसे गार्निश कर लेंगे फ्रेंड्स, तो इसका बहुत अच्छा ही टेस्ट आता है। तो ये बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। कीमा और उसके साथ में हमारे ये फ्रेंच फ्राइज जैसे आलू जो है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पर हमारे ये क्रिस्पी से आलू के साथ में हम इसे गार्निश कर लेंगे और खाने के टाइम पे हम इसे मिक्स कर लेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो टेस्टी लगेगा। तो आप इसे राइस के साथ या रोटी के साथ या पराठे के साथ में भी सर्व कर सकते हो फ्रेंड्स, तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।